आप देख रहे हैं AKC लाइव न्यूज 18। मैं हूं शरफुद्दीन आजमी। इस वक्त अमीलो खास में मैं मौजूद हूं और यहां पर वार्ड नंबर 6 और 12 दोनों लगता है। और यहां का जो मेंबर हैं या सभासद का आ जाए या तो फिर नगर पालिका की जो है पूरी तरीके से बेखौफी। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे कचरा जमा हुआ है लोग जो है, और यहाँ पानी टंकी काफ़ी दिनों से बनी हुई है लेकिन यहाँ के जनता को अभी तक इसका लाभ नहीं उठा सके हैं। और जो यहाँ के चेयरमैन हैं वो आश्वासन देते हैं, सिर्फ आश्वासन दे के चलते सीधा हम आपको रूबरू करते हैं जनता से। तो आपका नाम क्या है? क्या समस्या है? ये पूरा पानी जमा हो रहा है, बच्चे लोग इसी में जाके खेल बीमार पड़ रहे हैं और बहुत समस्या। कई बार चेयरमैन क्या गए तो कह रहे हैं कि आज बनेगा कल बनेगा, नापने के लिए जा रहे हैं, वो करने के लिए जा रहे हैं, अभी तक कोई आया ही नहीं। तो ये जैसे कि जो सरकार की मुहिम चली अभी COVID-19 की जो महामारी को देखते हुए भी, आपने इस पर अभी तक कोई चेयरमैन या नगर पालिका सभासद कोई उसमें तवज्जो दिया? कोई तवज्जो नहीं दिया। कई बार हम लोग जा चुके हैं, सब लोग पूरे मोहल्ले के 20-25 लोग जा चुके हैं लेकिन कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। चलिए सर, आपका नाम? मतलू बहन। आपकी क्या समस्या है? वही सेम कम समस्या सबकी है, पूरे गाँव वाले को वही समस्या है। यहाँ पर पानी लगा रहता, आप खुद ही देख रहे हैं तो पानी लगा हुआ चाहिए। तो क्या पानी निकलने का यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो पानी निकलेगा कहाँ? और ये जैसे ये पानी की टंकी यहाँ हमको दिख रही है, ये टंकी बन के आज 1 साल हो गया है, इसमें आप देखिए अभी तक उसमें निकलने के लिए टोटी नहीं लगी है। जब पानी निकलने अभी तक पानी चालू ही नहीं हुआ, जब पानी निकलने का रास्ता बनेगा तो उसको स्टार्ट करेंगे। निकासी नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पानी। बगल में इंडिया मार्का मशीन भी लगा हुआ हैंड पाइप इंडिया मार्का का, वो अभी तक चालू नहीं हुआ? नहीं, वो चालू हुआ, 1 साल से बंद है। चालू हुआ था 1 साल से ऊपर ही होगा उसको बंद। क्या उस पर भी सरकार के या सभासद या आपके चेयरमैन या कोई भी खराब हुई तो उसका एप्लीकेशन दिया, बोले सभासद से, बोले चेयरमैन से, बोले पहले प्रधान से बोले, मगर कोई तवज्जो नहीं है। पानी निकलने का रास्ता नहीं तो उसके लिए हम लोग भी छोड़ देते, मैं तो फायदा क्या, पानी सब यहीं पर जाऊँगा। आपको लेकर चलते सीधे। सर आपका नाम? मोहम्मद उबैद। सर उबैद सर, आपकी क्या समस्या है और आप सरकार से या अपने सभा सदस्य से या चेयरमैन से आप क्या उम्मीद रखते हैं? सर हम उम्मीद क्या रखें, 2 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं, कितना बार हम लोग कंप्लेन लिखवाए इन लोग से, सब गाँव के मोहल्ले जितने भी लड़के हैं सब गए लेकिन कोई आप लोग अपनी समस्या सुन ही नहीं रहा है। पानी निकासी नहीं है, सब बच्चे खेलते हैं, सब बीमार पड़ जाते हैं, पानी लगा रहता है सालों साल, पानी दर लगा रहता है, सड़ता रहता है, बच्चे सब खेलते हैं, बीमार पड़ते हैं। इस COVID-19 की महामारी में, जैसी बीमारी जो चल रही है इस घातक बीमारी में, ऐसे में भी यहाँ लोग जैसे स्वास्थ्य विभाग की टीम या और कर्मचारी या सफाई या कोई भी यहाँ पे आप उपस्थित हुआ या नहीं? कुछ नहीं उपस्थित है, यहाँ तक कि झाड़ू तक भी नहीं लगता है। अब झाड़ू पानी लग जाता है, झाड़ू बोलते हैं झाड़ू लगाने की जगह ही नहीं, कहाँ लगाएंगे, यहाँ पानी लगा ही रहता है साल 1.5 साल से, इसी पानी जब बरसात आता है पानी लगा ही रहता है, पानी सूखता भी नहीं है, कहीं निकालते नहीं है। अगल बगल के बच्चे जो है यहाँ खेलने के लिए कूदने के लिए या अपनी व्यवस्थाओं के लिए क्या करते हैं? क्या करेंगे सर, इसी में खेलते हैं, क्या करेंगे, बच्चे मना करते हैं, इसी गंदे पानी में खेलने के लिए मजबूर होते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो क्या किया जाए? कुछ जगह खेलने का ही नहीं है, सब पानी लगा रहता है, देखे आप सब पूरा पानी लगा रहता है। ठीक है सर।